कख नहीं कर सकिया। जी सब जी तो बड़ी गल यह है कि भाई बदकिस्मती मारी जाए कि बरादरी का नाम और गुजरां का नाम और वोट गुजरां लें, का नाम और लोग वोट लें, वोट लोग लें, मतलब हमने मतलब एक बरादरी ने मारा नाल एक एफिलेशन प्यार मोहब्बत शफकत रह और वोट दे दें। कोहली साहब ने कालाकोट तो वोट दे दिता, अकरम साहब ने सुरनकोट तो वोट दे दिता। इसे तरीके ना मैं मेरे नाल बरादरी जी है वह 100% बरादरी मारा नाल चली जी जी मियां अल्ताफ साहब ना सब इसमें सब शक नहीं कि भाई दूसरा लोग भी हमने वोट दें, खास ठीक ठाक वोट दें। इन ब्लाक बरादरी को वोट हम लिया जो हम लोग का मिले बना, इन ब्लाक बरादरी को वोट ले गए और फिर जरा हमारा दूसरी बरादरी है वे भी हमने सपोर्ट करें 35% एम एल ए बने। लेकिन बदकिस्मती यह आ रहा है जिसको एम एल ए बन जाए या मिनिस्टर बन जाए बरादरी की गल नहीं कोई करता। हूँ हर जगह खड़न वास्ते तैयार हूँ, हर आदमी के पीछे चलन वास्ते तैयार हूँ। कोई बुनियादी जी बरादरी की गल है कौम की गल है तो हमने एक रेजोल्यूशन दी हुई है, तो हमने एक स्टेटस दिता हुआ है एक आयन के तहत है, तो हम उसकी तहफ़ नहीं कर सकता। लिहाजा इसमें मारो फेलियर है, सबको फेलियर। तम के ले गए झेंगा फिर कुछ साल बाद जिसलै वोट वस्ते अपनी बरादरी को लेके मैं के की हो एड एज इंडिविजुअल तमाम पतो गुजरा यार वोट नहीं ना ना गुजर का नाम और मैं वोट तक दे लिया नहीं, गुजर का नाम और कदे वोट नहीं लेकिन लोगे ने एज इंडिविजुअल सबको थारो यो एसआरओ अच्छा एसआरओ जिसको मुफ्ती साहब हां कडियो एसआरओ के तो 294 तमने सिलेक्ट कमेटी में तमने भेज दी तो बाद में इंटरडिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट तक खाना बलोच लोग इस पर मेरी बड़ी जबरदस्त लड़ाई रहा। उन्होंने कहूँ कि भाई इन्होंने आबाद की हो जाए और हर वक्त हर दिन हर जिसको कि मेरा टाइम मिला उसे बोलूँ जी जी। और जनरल जड़ी है रिजर्वेशन पर और इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन पर हमने बड़ी स्ट्रगल भी की है। लोग कहें जी थारी कॉन्स्टिट्यूंसी का कि तमने जो है कि एक मतलब थारा वर्करां की एक एस्टेब्लिश्ड लाइन है कि भाई ये वर्कर हैं थारा और तम उसके बाहर नहीं जाता। मेरी गल पूरी तरह समझे नहीं, पहली गल तो यह है कि तम एक पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सेटअप में थारो एक अपना पॉलिटिकल सेटअप जरूर होना चाहिए जी जी। तम अगर थारो वो सेटअप नहीं है तम थारो कोई पॉलिटिकल ग्रिप नहीं जी जी। तो लिहाजा यह जाहिर है कि मेरे अपना एक पॉलिटिकल सेटअप है। अगर जम्मू में बैठे हुआ तो तमने 10,000-20,000 को अगर जलसों करवाना हो तो खुदा का फजल ना ले तू अपना ऑफिस में कन्वे कर गया करवा सकूँ खुदा। या जित तक डेवलपमेंट्स को तलक है, जित तक तामीर और तरक्की को तलक है, हूँ तुमने यह गारंटी ना लिया गल कहूँ कि मेरा कलम तू मेरी रिकमेंडेशन पर आज तक तसबाना मेरी कलम नहीं चली। कुछ लोग ना यह प्रॉब्लम है कि कुछ इंडिविजुअल्स ना मतलब आम जिन्हें गल है उन्होंने एक प्रॉब्लम है कि जरा जावेद राणा साहब हैं थोड़ा दबंग तरीका के नाल चलें और थोड़ा एरोगेंट है। यो है कि यह लोगों ने एवं लगे नहीं मतलब उन्होंने लगे कि थोड़ा ताड़मा चले कोई शक्ल नहीं देख कोई अगर खाइफ हो जाए तो अलग गल है, लेकिन मेरा जहन में कोई दबंगी दे नहीं है। अच्छा ना ही हूँ इस कल्चर को ना ही मेरा खानदान में या कोई सिस्टम रे है। हमने हमेशा जी है वह एक असूल की गल की है और यह है कि सारा लोगों ने नाल चलाने की कोशिश की है जी जी। तो अगर कोई लोग शक्ल ना देख रहे तो भंग समझता रहे या वो समझता रहे वह उन्ना ही गल है, लेकिन हूँ जा गल सोचूँ कि एक थोड़ा जो एक सिस्टम जो है वो मेंटेन करना चाहिए, स्टेटस ना भी मेंटेन करना चाहिए। ये सारी चीज़ के थारी ताकत की है स्ट्रेंथ की है थारी किस सिलसिला मतलब एक हर एक आदमी एक स्ट्रेंथ है हूँ समझूंगा कि मेरे बोलने मेरी स्ट्रेंथ है मेरी स्ट्रेंथ मेरा लोग मेरी कंसिस्टेंसी मेरे बेस। अच्छा अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूंसी तो बाहर कि लड़नो पै जाए तो कि जगह लड़ेंगे सब तो पहले तो थारी कंसिस्टेंसी में लड़ूंगा तुम्हारे अलावा तुम्हें सीट काट के दे सकूं इंशाल्लाह। अच्छा मतलब हवेली तो लड़ सके हवेली तो लड़ सके तमना थारी कॉन्स्टिट्यूंसी में के रह गयो है थारा थू देखो सड़क नहीं है एक उतरो मैं कोई तमना इस चीज की खुशी भी आएगी कि मैं नबार्ड में और PMGSY में जिस वक्त पहला टेनोर में मिले थो 26 प्रोजेक्ट 2007 में मैं सेंक्शन करवाया था, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का सेंक्शन होया था जिनमें 21 मेंडर का था। बहुत अच्छा 26 बिचू 21 प्रोजेक्ट मेंडर का था। तुम साहब ला सके मेरी डेवलपमेंट्स की रफ्तार मेंडर की कोई ऐसी पंचायत नहीं जिसमें मैं 2002 टू 2008 तक PMGSY और नबार्ड में टैच ना किए हुए। जनरल रोड जी है वो सखी मैदान कलाई रोड था उन्होंने बड़ो उस शिकोर है वह तो
पक्की नहीं ना हुई, वाह इरा मामा ने दे दी थी, इरा इरा उसमें फेलियर रही, उसको वो लंबी कहानी है। फिर उस तो बाद जनाब जिस वक्त तू दोबारा एमएलए बने उन वार रोड सारी पक्की कर दी थी आपने, वहां पिछले तड़न थो तो नहीं कोई रास्ता, वहां रोड पक्की है पिछले तड़न, पिछले साल ही गल करता वेगा, वहां रोड इस वक्त जीरो तो ले गए ते 17 किलोमीटर तक उस लुक पै गई है, ठीक ठाक रोड है। और सब तो बड़ी अचीवमेंट जी है भैया है कि इस रोड ने मैं डिस्ट्रिक्ट के नाल मिला दितो, जी जी कलाई के नाल मिला दितो अपना, हुन मेरो इस वर यो है कि इसनो दो साइड तो हम इंशाल्लाह नवाड़ में लेंगे, पुंछ साइड तो भी और इस साइड तो वो मेरे उसमें चल रहे हैं। मुख्तसर ये दसो जी कि थारो की आगे को की ख्वाब दसना चाहे अपना लोकाना तम अपनी बिरादरी ना और अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी तक बरादरी को तलक है। बरादरी का तो बड़ा स्टेट लेवल पर बड़ा मसाइल है, मजमूरी तौर पर बड़ा उन्होंने मसाइल है जी जी, उन्होंने एक जावेद रानो हल नहीं कर सकते। मैं तो उन्होंने पहले ही क्यों कि ये सब लोग जो हमारा कैबिनेट मंत्री हैं, सीनियर लोग हैं, तंजीम का लोग हैं, बरादरी का लोग हैं, जब तक गठा नहीं हो सके बरादरी का मसाइल हल नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंसी वास्ते इंशाल्लाह हम डेवलपमेंट करवा रहे हैं। मैं डिग्री कॉलेज मेंटर खड़े हो, मैं त्रै तहसील मेंटर ले गयो, नियाबत ले गयो, सी डी ब्लॉक ले गयो, और उस तो अलावा हूँ तुमने सब तो बड़ी एक तुमने याद दूँ कि मैं हालिया इस मेरा प्रोसेस के बीच है जो मैं एकलव्या रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक रजौरी पुंछ में एक स्कूल गया था, वो इंशाल्लाह मैं खोल रहे हूँ जी जी। सब तो बड़ी अचीवमेंट मेंडर माँ, सब तो बड़ी मेरी अचीवमेंट यह है कि जम्मू कश्मीर स्टेट माँ मारा को दो एकलव्य मॉडल स्कूल आया था, एक शायद कश्मीर में दी तो उन्होंने, एक पुंछ में दी तो जो मेंडर हम खोल रहे हैं। और उस वस्ते दो 200 कनाल जमीन जड़ी है आइडेंटिफाई करा देती है, इंशाल्लाह सब तो बड़ी अचीवमेंट मेरी यह होगी कि एकलव्य मॉडल स्कूल और हो रहा है, और इंशाल्लाह एक सैटेलाइट यूनिवर्सिटी जड़ी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी जड़ी है वह हम खोल रहे हैं इन बिटवीन सुनकोट एंड मेंडर। और बाकी तुमने ये पूछो कि अमन कद वो कश्मीर में, इस वजह नहीं रिमाइंडर में कद अमन नहीं, वो बैंडर जो है बॉर्डर जो है वो तो सीज़फ़ायर वायलेशन होती रहे, अंदर जो चलते रहे थोड़ा बहुत, अंदर अंदर किस मतलब जड़ी दो पार्टियां मां दो ग्रुपां मां, नहीं वो नहीं, वो तुमने देखे हुआ हो कि भाई काफी 2014 तो बाद कोई ऐसी अमन हो गया है। प्रोग्राम का आखिर मां आओ देखो लोग एमएलए मेंडर जनाब जावेद राणा का बारा मां के की। बहुत कम मारा ग्रां था जड़ा सड़क राबता नाल मुंसलिक था, उन्हें बिच अगर तुम ज़्यादा लेंगे तो मनकोट तक रोड थी, बाकी किसी ग्रां के अंदर कोई रोड नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह जावेद राणा साहब का एमएलए बन तो बाद मारी मेंडर के अंदर एक इनकलाब भरपा हुआ। एमएलए मेंडर के बारे में एमएलए साहब ने बहुत अच्छे काम किए, जब वो 2002 में एमएलए बने, उसके बाद 2008 से 2014 तक वो डिप्टी चेयरमैन रहे, अब 2014 में एमएलए बने, उन्होंने बहुत सी रोड़े मनाई, बहुत से काम किए, लेकिन मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एमएलए साहब आप जो अगर मेंडर की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो मेंडर टाउन को इसको यहाँ मेंडर में म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, और जो बाईपास रोड है ये जो हमारी रोड़े हैं ये 40 साल पुरानी रोड़े हैं, अब इस पर ट्रैफिक का इतना लोड है, बच्चे दो दो घंटे जाम में फंसे रहते हैं, कोई लेडीज़ डिलीवरी केस हो उसको हॉस्पिटल पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ के हमारे एमएलए साहब बहुत काम काज वगैरह कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, वो गरीब लोगों के लिए बहुत वो काम कर रहे हैं, दिन भर वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि गरीब लोगों का काम करें, वो एक दिन भी अपने रेजिडेंस पर नहीं रुकते हैं, वो रात के वक़्त भी लोगों की काम के वगैरह में चलते रहते हैं। ऐसा वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छी डीलिंग है उनकी, और हर तरीके से उनका वो रेल मिलाप है हर आदमी से, अब कोई उनके पास जाएगा तो कोई अपना प्रॉब्लम बताएगा तो वो हल करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो वो घर तो किसी के अब किसी के घर जाके एमएलए की अगर चलती रहे तो चलाए ना, उन्होंने ना रोड ना कोई, जिस वोट मांगना में वोट एक मिनट में मांगेगा सारा कार कर आएगा। मारा आज का प्रोग्राम को वेलो मुख्यो, आज मारे नाल मौजूद था जनाब जावेद राणा साहब जड़ा एमएलए मेंडर तू और जड़ा एक बड़ा ही जरूरतमंद लीडर हैं, और जिन्होंने गल की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बारे पुंछ जोरी बारे गुजर बरादरी बारे गुजरी जबान बारे भी गलबात हुई है, और गुजरी जबान में गलबात हुई है, समझूँगा कि या यो प्रोग्राम तुम्हारा पसंद आया वह वो इसके नाल ही मारा आज का प्रोग्राम को वेलो मुख है, दियो इजाज़त, रब रखो।
चैत चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे ओनी।